ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आपको बताएं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। महाराजपुर के पूर्वामीर में करोड़ों की जमीन कब्जे में ली, यह आरोप। गायत्री प्रजापति पर बेटे के नाम से जमीन खरीदने का आरोप। प्रयागराज हाईवे पर 2013 और 15 में ये जमीन खरीदी गई थी और इस पूरे मामले पर अब ईडी की कार्रवाई तेज हो चुकी है। कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती हुई पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की। मेरठ से खबर है, इंटेलिजेंस अधिकारी बताकर घर में घुसे दो शातिर चोर, ये खबर मिल रही है। और घर में मौजूद बुजुर्ग महिला ने बेटे को फोन कर बुलाया, बगैर कुछ बताए दबे पांव वापस लौट गए दोनों शातिर। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पुलिस जांच में जुटी है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग महिला ने सूझबूझ दिखाई। इंटेलिजेंस ऑफिसर बताकर घर में दाखिल हुए दो शातिर। महिला ने अपने बेटे को फोन करके बुलाया तो दबे पांव वापस लौट गए। दो लोग हमारे घर में आए, मेरी मम्मी अकेली थी घर पे, और उन्होंने आके बोला कि हम इंटेलिजेंस से दिल्ली से आए हैं और आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। हमें डर ये है कि आज ये रैकी करने आए थे और इन फ्यूचर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मदर घर में अकेली ही रहती हैं। आज नहीं, एक महीने बाद कुछ भी, कब तक हम अपना सेफ्टी या घर में किसी को छोड़ सकते हैं। मैंने इंस्पेक्टर मवाना को फ़ोन किया था, पर मैं थोड़ा लेट हो गया था फ़ोन करने, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपने तभी फ़ोन करके बताना चाहिए था, अब कोई घटना होगी तो आप हमें फ़ोन करके बताइएगा। अब बात सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की, जहां उन्होंने आज जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुनकर निपटाने के निर्देश दिए। सीएम गौ सेवा करते हुए भी नजर आए, क्योंकि परिसर में एक गौशाला है जिसमें हमेशा से वो गौ सेवा करते चले आए हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, अमूमन इसे रूटीन पिक्चर कह सकते हैं। जब कभी भी गोरखपुर होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दिन की शुरुआत वो लोगों की समस्याओं को सुन करके, उनके फरियाद को सुन करके करते हैं, साथ ही यहां पर निपटारे के निर्देश देते चलते हैं। इसके अलावा गौशाला की तस्वीर है जहां पर तमाम गाय और बछड़े अमूमन रहते हैं। जब कभी भी मुख्यमंत्री होते हैं परिसर में तो यहाँ जा करके उन्हें चारा खिलाना और प्यार दुलाल करना, ये उनकी रूटीन का हिस्सा रहा है, दिनचर्या का हिस्सा रहा है। इसी के साथ 10 की दहाड़ में बस इतना ही। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।